साल 2020 की शुरुआत टीम इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट पे हुई है। जी हाँ, पहली जो उनका असाइनमेंट था, पहला T20I सीरीज अपने कब्जे में की, 2-0 से शिकस्त दी श्रीलंका को। इसी के फलस्वरूप, इसी के रिजल्ट में जो T20 रैंकिंग्स आई हैं, जी हाँ, अपडेटेड रैंकिंग्स इसी शनिवार को निकली हैं, उसके बिहाफ या उसके अनुसार बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को, बहुत ज़्यादा इंडियन प्लेयर्स को फ़ायदा हुआ है। जी हाँ, शुरुआत करते हैं KL राहुल से, जो लगातार इनका पर्पल पैच जारी है। टॉप 10 की बात की जाए तो सबसे अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, 6th पोजीशन में है, और धीरे धीरे जो मार्जिन है अपने और ग्लेन मैक्सवेल के बीच, जो 5th पोजीशन में बैठते हैं उसी रैंकिंग्स में, उसको बहुत कम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में 4th या 5वें पायदान में जा सकते हैं। वहीं बात की जाए भारतीय कप्तान विराट कोहली की, तो उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जी हाँ, 10th पोजीशन से वो एक नाव छायर चले गए, यानी कि 9th पोजीशन पे चले गए। वहीं अगर बात की जाए शिखर धवन की, जो बहुत लंबे समय बाद इंजरी से जूझ रहे थे, उसके बाद वापसी की उनके जो हाफ सेंचुरी के चलते, उनको 15th पोजीशन पे, यानी कि उनका जो टोटल आप अगर अप्रेजल देखें तो कम से कम 10 पायदान का है। लेकिन वहीं एक थोड़ा सेटबैक झेलना पड़ा रोहित शर्मा का, जो इस सीरीज में रेस्ट कराए गए थे। जी हाँ, अब 13th पोजीशन पे स्लिप कर हो चुके हैं, क्योंकि लगातार जब उनको मैचेस नहीं मिल रहे, खासकर गेम टाइम नहीं मिलता है, तो आपकी ICC रैंकिंग्स या ICC पॉइंट्स होते हैं उसमें थोड़ी तब्दीली आती है। लेकिन जब वापसी करेंगे तो लेट्स होप कि टॉप 10 में अब भारत के 3 बल्लेबाजों, मतलब कि KL राहुल, विराट कोहली के साथ उनके जोड़ीदार आ जाएंगे रोहित शर्मा। लेकिन एक और अगर बात की जाए मनीष पांडे, जिनकी बहुत ही अच्छी एक सिंटिलेटिंग पारी थी, एक छोटा सा केमियो था, उसके चलते उनको फायदा हुआ है 4 पोजीशन का। जी हाँ, 70th यानी 70वें पायदान पर हैं ICC टेस्ट T20 रैंकिंग की बात की जाए तो। वहीं अब रुख करते हैं गेंदबाजों की तरफ। जी हाँ, बहुत ही शानदार सीरीज थी अगर बात की जाए फास्ट बॉलर्स के बिहाफ पे। वहीं नवदीप सैनी जो मैन ऑफ द सीरीज थे, उनकी जो अपग्रेड हुआ है 146 पॉइंट्स टेबल, यानी कि 146 पायदान का उनको अपग्रेड मिला है। 98th पोजीशन पे अब वो बैठे हैं, लेकिन टॉप 100 में उनकी इंट्रोडक्शन हो चुका है। लेकिन कितनी जल्दी वो टॉप 10 या टॉप 20 में अपनी जगह बनाते हैं, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बात करते हैं उनके पार्टनर इन क्राइम यानी शार्दुल ठाकुर की। उनके भी विकेट कॉलम्स में, उनके भी झोली में 5 विकेट गए इस पूरी सीरीज में। उनका अगर आप उनकी रैंकिंग्स देखें तो 92nd पोजीशन पे अभी फिट बैठ रहे हैं। लेकिन क्या धीरे धीरे वो भी नवदीप सैनी के साथ साथ टॉप 10 टॉप 20 में कैसे जगह बनाते हैं T20 रैंकिंग्स में, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, जो भी लंबे समय बाद शिखर धवन की तरह मैदान पर वापसी कर रहे थे। उन्होंने हालांकि पहले वो विकेटलेस रहे, दूसरे मैच में उन्होंने एक विकेट लिया था, जी हाँ, उसके साथ बहुत रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बात की जाए T20 रैंकिंग्स की, तो इसमें भी उनको फायदा हुआ है। जी हाँ, पूरे के पूरे 8 पायदान का फायदा हुआ है। पहले वो 50th के ऊपर थे, अब उनकी पोजीशन हो गई है 39th, यानी कि 39 रैंकिंग आ चुकी है। वो भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। ODI के नंबर 1 बॉलर तो खैर हैं ही, टेस्ट में भी टॉप 5 में सिट करते हैं। लेकिन कहीं T20 रैंकिंग्स की बात की जाए, T20I इंटरनेशनल ICC रैंकिंग्स की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहे हैं, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। वो डिलीवर भी करते हैं, लेकिन जो पॉइंट सिस्टम है थोड़ा ICC का, वो कहीं ना कहीं उनको टॉप 20 या टॉप 30 के ब्रैकेट के बाहर रखता है। तो ये था हमारा लेटेस्ट अपडेट। बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, टोटल मैंने आपको बताया 7 खिलाड़ियों को फायदा हुआ, इसमें से 4 बल्लेबाज थे, वहीं 3 गेंदबाज हैं, भारतीय फास्ट बॉलर्स हैं। और ये था हमारा अपडेट लेटेस्ट ICC T20I रैंकिंग्स को लेकर, जो अभी फिलहाल इसी सैटरडे यानी आज ही के दिन आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स।